एक यूट्यूबर की हालत देखो कैसे, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। चलो दाऊ निकालो गाड़ी बड़ा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग स्मोकिंग गन फिल्म्स। एंड ब्रो अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है, अब 11:51 पे और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले पहनने का अपने ग्लव्स, चलते हैं एक राइड पर और दिखाते हैं कुछ अच्छे से रिएक्शन, कुछ रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे फटाफट से। बाहर खड़ी अपनी गाड़ी। एंड भाई आज भी फॉग जम रहा है, जैसे जैसे ब्रीद कर रहा हूँ मैं, आई डोंट नो ये कैसे कर रहा है बट कर रहा है। यार देखो मेरे ग्लव्स की हालत, एक यूट्यूबर की हालत देखो कैसे अपनी गाड़ियाँ चलाता है यार। मतलब ग्लव्स भी नहीं लिए अभी तक अपने लिए। ये मैं इसलिए पहनता हूँ कि ताकि मैं टैनिंग से बच सकूँ। कभी कभार देखो धूप आज तेज हो रही है जैसे, तो उसके लिए पहनना पड़ता है मेरे को। और ये मेरी गाड़ी, तो सीधा बात करते हैं गाड़ी पर। चार पार्ले जी दे दो मेरे को। पार्ले जी चार कितने वाले? पाँच वाले। पेटीएम इसी पे करना है ना? चल जाओ भाई, क्या हो गया उसे आज तो, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हैंग पता नहीं क्यों होने लग गया यार मेरा फोन, समझ नहीं आ रहा यार। इसका भी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। कितने का? 20 हो गया ना? कर दिए, दिखाऊं? सोनू लिखा है ना ऊपर। सो भाई थोड़ा सा सामान ले लिया है मैंने, एंड आज कुछ खुरापात के आज कुछ अच्छे काम ही कर लें, बहुत टाइम से नहीं किए हैं तो सोचा आज ही कर लें। भाई इसको गाड़ी को भी क्या हो गया, ऑन ही नहीं हो रही थी। अब चलते हैं सीधा ऑफिस। लेकिन उससे पहले मैं डलवा रहा था पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल की हालत हो गई है खस्ता। और नारियल पड़ा हुआ भाई, किसी ने फेंक दिए। टाइम तो जाम पे जाम लग रहा है। सबको जल्दी है निकलने की भाई, कोई नहीं रुकेगा, सबको जल्दी है, यहाँ कोई नहीं रुकता ब्रो। भाई ये देखो, चेक करो यार, पंडित जी के पास गाड़ी हंटर ले रखी है, यहाँ साला स्प्लेंडर चला रहे हैं झक मार के, मेहनत करके। और ये भाई साहब ये देखो, एक और बाबा जी बैठे स्प्लेंडर और स्वैग लगा हुआ है गाड़ी पे भी, और तगड़ा वाला स्टिकर लगा हुआ। भाई भाई पसीने आने शुरू हो गए, टप टप हो रहे हैं फिर से। एंड चेक दिस आउट यार, ये थार क्या कलर है यार, थार का सी भाई साहब बहुत मस्त कलर लेके घूम रहा है भाई। हाँ इस बाबा के ऊपर चढ़ा दे पंडित के, चेक दिस आउट कलर। छुप गई बाबा की गाड़ी। हाँ बोलो। हाँ आराम से ओवरटेक खुद कर रहे हो आराम से। अब बोलो ना भाई, गाड़ी को ओवरटेक करके तुम आ रहे हो, सुना उसे रहे हो, जिस पे जोर चलता हो उसी को सुनाते हो। बस की था तो थार वाले को सुनाते, हमारे दो मिनट में गाड़ी की बैंड बजा था। चेक दिस आउट यार, ये जाम कहाँ से पैदा हो गया आज भैंस की, आज जाम नहीं समझ में आया। चलो दाऊ निकालो गाड़ी फटाफट, पेटीएम दिखा दो। डन। तो भाई पेट्रोल डलवा चुके हैं, एंड पेट्रोल वाले का रिएक्शन देख रहा था मैं। पीछे जो साइड में खड़ा हुआ था ना, वो जो पेट्रोल भर रहा था वो पीछे से खड़ा होकर देख रहा था कैमरे को। यार मैंने पेट्रोल ना आज इसलिए डलवा लिया क्योंकि कल मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है और मॉर्निंग में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज 7 o'clock तक मैं निकलूँगा और उससे पहले ही 15-20 मिनट पहले मेरे को निकलना पड़ेगा, और जाम मिल गया तो और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी पेट्रोल डलवा लिया है, क्योंकि जिस रूट से मैं आऊँ ना कल मंडे वाले दिन, वहाँ मंदिर है वो बड़ा सा जो रास्ते में दिखा होगा शायद आपको, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंडे को बहुत ज़्यादा जाम लगता है, उसके कारण लेट हो सकता था। इसलिए मैंने अपना टाइम से आज ही पेट्रोल डलवा लिया, सो दैट कल आराम से सीधा ऑफिस के लिए निकलेंगे, पेट्रोल वेट्रोल की कोई टेंशन नहीं होगी मेरे पास। एंड भाई जो मैंने बिस्किट लिए हैं ना, वो मैंने इसलिए लिया कि मेरे को कोई ज़रूरतमंद दिखेगा ना रास्ते में, तो मैं मुझे लगता है कि इसको ज़रूरत होगी खाने वाने की, तो मैं उसको ये दे दूँगा। तो देखते हैं रिएक्शंस क्या मिलते हैं, कौन मिलता है, किसको देता हूँ, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। संडे भी है ना, ऊपर से संडे राइड ही हो गई हमारी, तो ये मेरी संडे राइड ऐसी रहती है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो मुझे लगता है मेरी नज़रों में ये ज़रूरतमंद है, तो इसको दे देना चाहिए। छोटू
हाँ जी सो भाई सच बताओ ना, बहुत बड़ा मतलब खुश फील करता हूँ जब ये चीज़ें मैं बांटता हूँ। बहुत मैं पहले भी बांट रहा था, बट पहले मेरे पास सेटअप नहीं होता था, फिर से मैंने बांटना शुरू किया, लेकिन अब सेटअप लगा दिया है, अब फिर से करने लग गया हूँ। एंड भाई बहुत खुशी होती है दिल से कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ अपनी तरफ से, जितना बेस्ट हो पा रहा है। अभी तो शुरू में ये है, बाकी देखो यार ऊपर वाला जितना मेरे हाथ से करवाना चाहेगा उतना करेंगे, अपने हाथ से अच्छे कर्म जैसा भी कर्म होगा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ तक जाती है अपनी गाड़ी, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प करेंगे। मौसम देखो क्या मस्त मौसम हो गया यार, अभी एकदम धूप निकल रही थी और अभी एकदम ही छाँव हो गई है पूरी और मस्त हो गया। अब मौसम में मज़ा आ रहा है कि हाँ कुछ ठंडा ठंडा फील हो रहा है यहाँ पे भी, ऐसे ही मौसम रहना चाहिए यार, ना धूप निकले ना बारिश हो तो फिर अल्टीमेट ही मज़ा है भाई इस चीज़ का। ओ भाई भाई साहब ऐसे स्पीड में ला रहे हैं बिना ब्रेक के गाड़ी, आज ही पहुँचा देंगे। तो भाई ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा हो ना तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बस यही एक आपसे गुजारिश है। चली लिया अपनी गाड़ी तो डेली व्लॉग्स जितने बेस्ट टू बेस्ट जितना टाइम निकलता है, जितना टाइम मिल पाता है व्लॉग्स के लिए, क्योंकि साइड बाई साइड ऑफिस भी करना होता है, अभी तो बिगिनर ही है इन चीज़ों में। जिस दिन प्रो होंगे उस दिन तो भाई होंगे, बट अभी फ़िलहाल कर्म करता जा और फल की चिंता ना कर वाला लगा रखा है अपने ऊपर स्लोगन या थॉट कह सकते हो। गाड़ी चल रही है, जहाँ तक जाएगी लेके जाएगी, जहाँ तक उड़ाएगी उड़ाएगी, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सब ऊपर वाले के हाथ में, जितना मेरे को ऊंचाई दिखाएगा उतना ही लिखा है मेरे हाथ में, जितनी मैं मेहनत करूँगा बाकी होप फॉर द बेस्ट, बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर पाऊँ सबके लिए, जितने भी तेरे शहर में जो हुक्का बज रहा हो साहब का मजाक थोड़ी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना अच्छा अच्छा अगर लगा हो तो। अच्छा मिलता हूँ इसी के साथ अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।